प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट अबू राजस्थान येथे दिनांक 29 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत महा आंतरराष्ट्रीय शिबिर आयोजित करण्यात आले असून या शिबिरात केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, खासदार, बॉलिवूड कलाकार यांच्यासह विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि प्रशासन सेवेतील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या शिबिराचे प्रमुख ब्रह्मकुमार मृत्युंजय भाई यांच्याशी आमचे संपादक महेश धानके यांनी माउंट अबू येथे साधलेला संवाद. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयाचा हा डायमंड हॉल आहे आणि या डायमंड हॉलमध्ये 29 तारखेपासून 2 तारखेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय शिबिर होणार आहे. या शिबिरामध्ये अत्यंत VVIP लोक येणार आहेत. कशा पद्धतीचं हे शिबिर आहे आणि या शिबिरामध्ये नेमकं काय होणार आहे या संदर्भामध्ये मृत्युंजय भाई आपल्या सोबत आहेत आणि ते आपल्याला या ठिकाणी माहिती देतील. ओम शांती, नमस्ते. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में ग्लोबल समिट कम एक्सपो एक शिखर सम्मेलन यहाँ आयोजन कर रहे हैं. ये इसका विषय है साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड एनवायरनमेंट, इसको ह्यूमन रोल इन मेकिंग ए बेटर वर्ल्ड. इस विषय पर 29 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये महासम्मेलन यहाँ आयोजन किया गया, जिसमें भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी उद्घाटन करने के लिए आए हैं. साथ साथ में भारत के होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी भी उपस्थित रहेंगे उस समय में, और भी लगभग 6 मिनिस्टर से सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से और लगभग 10 अलग अलग राज्य के मंत्री लोग भी हैं. उसमें भी महाराष्ट्र से करीब 3 मंत्री जी हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं. साथ साथ में उत्तर प्रदेश का 4 मंत्री जी हैं और उसका नाम मेरे लिस्ट में है अभी तो जमाने में, और अलग अलग राज्यों के मंत्री जी हैं और गुजरात के गवर्नर हैं वो भी. अमेरिका से मार्ला माप जो है बड़े फेमस फिल्म एक्ट्रेस भी है और साथ साथ में कलाकार भी आए हैं, और साथ साथ में सऊदी अरबी के प्रिंसेस बासमा तो सऊदी अरबी के फाउंडिंग उनकी ग्रैंड फादर अभी तक स्टेट वो भी आ रहे हैं. साथ में बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे. विशेष आकर्षण साइंस बड़े प्रमाण का एक एग्जीबिशन जिसमें का उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, इसका नुकसान समाज के तक क्या है उसको दर्शाते हुए एग्जीबिशन है. पर्यावरण करीब सदियों से जैसे समृद्धि दिया, परंतु आज पर्यावरण को एक्सप्लॉइट करके इंसान अपने ग्रीड का वश हो करके सत्यनाश हो रहा है. उसका दुष्परिणाम आने वाले और वर्तमान इस विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाने के लिए योजना है. साथ साथ में और भी एक विशेष आकर्षण है इस शिखर सम्मेलन में, लगभग 25 देश के नामी गिरामी जो साइंटिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने अभी तक इस पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए योगदान दिया है, अलग अलग तरीके से ग्रेजुएशन से लेकर के ऊर्जा संरक्षण से लेकर के पानी बचाने से लेकर योगदान दिया, उनको सम्मानित किया जाए. और एक बड़े विशेष आकर्षण इस है, लगभग 550 कलाकार आर्टिस्ट पेंटर्स उनका 3 दिन का वर्कशॉप होगा, 27-28 का वर्कशॉप होगा. उस वर्कशॉप में वो लोग इस विषय पर उन्होंने चित्रकला आर्टिस्ट चित्र बनाएंगे, उसके अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट हैं उनको प्राइज़ भी दिया जाएगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और काउंसलिंग कंसोलेशन चर्च के प्राइजेस में मिलेगा. इस प्रकार का ये काम है. और जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस कम डांसर ग्रेसी सिंह उनके साथ कलाकार लोग हैं, और दूसरा एक और सिंगर है बॉलीवुड के सिंगर
वो भी आएंगे और उनके साथी लोग भी रहेंगे। और अमेरिका का ग्रेसी अवार्ड एक अवार्ड विनर है, म्यूजिशियन है, काफ़ी अच्छे नवीग्रह म्यूजिशियन है और वो भी इधर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने भी फर्स्ट परीक्षाओं को लेकर पर्यावरण के संबंधित विषय पर म्यूजिक प्रस्तुत करेंगे और नेपाल से इंडोनेशिया से कलाकार लोग भी रहेंगे। और इसके सिवा बहुत नामी ग्रामी लोग इस सम्मेलन में शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मुझे आशा है, विश्वास है कि शिखर सम्मेलन भारत के भविष्य के लिए और मानव कुल के कल्याण के लिए एक नया सोच को दर्शाते हुए नया एक्शन प्लान बना करके एक नया प्रेरणा देंगे। ऐसी प्रेरणा के लिए आप सभी सहयोग दे रहे और मीडिया के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके माध्यम द्वारा समाज को जागृति लाने का कार्य स्थानीय कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपका मैं अपने दिल से और समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, नमस्ते।